हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम देखने जा रहे हैं नया इंजन, जो कि न्यू पैरेलल ट्यून इंजन है। रॉयल इनफील्ड ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है विथ 650 सीसी का, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि 750 सीसी का इंजन आने वाला है न्यू मॉडल्स में, कॉन्टिनेंटल जीटी में। मगर अभी न्यूज़ लेटेस्टली कंफर्म हो गई है कि 650 सीसी का इंजन कॉन्टिनेंटल जीटी में आने वाला है विथ ट्यून सिलेंडर, ठीक है, विथ एयर कूल्ड। और उसका जो पावर रहेगा वो रहेगा 47 PSI का मैक्सिमम पावर रहेगा 7100 RPM पे, एंड 53 Nm का पीक टॉर्क रहेगा 4000 RPM पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इंडियन बाइक्स के लिए, जिनको पावर चाहिए था और जिनको ऑप्शन चाहिए थे हैवी बाइक्स के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्लासिक एंड ऑल इनसे में भी 650 सीसी का आएगा, बट इन फ्यूचर। अभी रिसेंटली पूरा न्यूज़ नहीं मिल पाई है, बट ये है कि पूरा बनेगा जैसे 350, 500, देन 650, तो इस तरह से रहेगा ताकि ऑप्शंस उनके कस्टमर्स, आरी कस्टमर्स ओनर्स के पास रहे कि वो जो ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। जैसे 1.5 लाख का हो गया, देन उसके बाद 2.5 लाख का हो गया, देन उसके बाद 3.5-4 लाख का ये मॉडल लॉन्च होने वाला है, ये कहा जा रहा है। और एक अभी कंफर्म न्यूज़ है, अभी जो इन रिसेंटली अपना EICM में मोटरसाइकिल शो में ने अपना लॉन्च किया है मोटर, जो ये आप इमेजेस देख रहे हैं वो वहीं की इमेजेस हैं। एंड अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा बात डीप में बात करें तो फ्यूल इंजेक्ट इसमें सिस्टम है, 6 गियर्स हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो गियर शिफ्टिंग का जो रेशियो रहेगा, जैसे कि आप हाईवे में चला रहे हैं तो रेंज बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप 6th गियर में चला रहे हैं तो 6th गियर में आपको अबव 80 ही राइड कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और 4 स्ट्रॉन्ग इंजन है, 648 सीसी पैरेलल ट्यून इंजन है, एयर ऑयल कूल्ड है, 270 डिग्री क्रैंक है इसके अंदर, सिंगल ओवरहेड है, और ड्यूल साइलेंसर लगने वाला है। तो साइलेंसर लवर जिनको साउंड पसंद था वो उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। एंड BS4 में आएगा ये, एंड बट रॉयल एनफील्ड क्लेम कर रही है कि ये वर्जन जो है वो BS5 जैसा है, उसमें इतना पोल्यूशन लेवल कंट्रोल्ड है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा ये परफॉर्मेंस देता है। अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो बट टॉप स्पीड जो बोली जा रही है क्रूजर और हाईवे में इसकी है वो 120 टू 130 बोली जा रही है, मतलब विदाउट वाइब्रेशन की। ठीक है, आई डोंट नो अभी कितना तक जाएगा, अभी जब मार्केट में आएगा तब पता चलेगा कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। सिद्धार्थ लाल जी ने, जो MD और CEO हैं इनके रॉयल एनफील्ड के, सच में ही उनने ये मार्केट में एक अलग ही और यूनिक इंजन किया है। वो क्लेम भी कर रहे हैं कि ऐसा इंजन इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड देखते रहिए बुलेट गुरु।